तो दोस्तों पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। इस पेटीएम वॉलेट कार्ड से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको बिना कोई बैंक खाता के एक डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इस डेबिट कार्ड की मदद से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदारी करने में या बिल पेमेंट करने में कर सकते हैं। इस कार्ड से आप जो भी परचेस करेंगे, जो भी खरीदारी या बिल पेमेंट करेंगे, वो पैसा आपके पेटीएम वॉलेट से ही काटा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको पेटीएम को कोई भी चार्जेस नहीं देना है, ये पूरी तरह से फ्री है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पेटीएम ऐप से पेटीएम वॉलेट कार्ड को इंस्टेंट एक्टिवेट करके उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से न्यू वर्जन में अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, आपके सामने पेटीएम ऐप का होम पेज आएगा। माई पेटीएम में आपको यहाँ पर पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर अभी आपके पेटीएम ऐप में पेटीएम वॉलेट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको कुछ दिनों वेट करना है, आपके पेटीएम ऐप में भी पेटीएम वॉलेट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी पेटीएम कुछ ही सिलेक्टेड यूज़र को पेटीएम वॉलेट कार्ड का ऑप्शन दे रहा है, धीरे धीरे सभी यूज़र को पेटीएम वॉलेट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नो मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेटीएम वॉलेट कार्ड के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। इस पेटीएम वॉलेट कार्ड को ऑनलाइन एक्टिवेट करने के बाद जब आप फिजिकल पेटीएम वॉलेट कार्ड के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपके घर पर फिजिकल पेटीएम वॉलेट कार्ड कुछ इसी तरह का डिलीवर किया जाएगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में बताया जा रहा है। इस कार्ड का इस्तेमाल आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस कार्ड का इस्तेमाल आप किसी भी शॉप या आसपास के दुकानों पर किसी भी सामान को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस कार्ड का इस्तेमाल आप मेट्रो या बस पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। इस कार्ड से आप जो भी खर्च करते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि आपका एटीएम कार्ड और इस पेटीएम वॉलेट कार्ड से क्या डिफरेंसेस है। देखिए, आप अपने एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, जबकि पेटीएम वॉलेट कार्ड से आप एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको नीचे जाना है। यहाँ पे सेटअप करने के लिए आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको पासवर्ड सेट करना है, फिर कार्ड को एक्टिवेट करना है, फिर आप अपने इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने पेटीएम बैंक का पासकोड एंटर करेंगे, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए अपने इस कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने वर्चुअल पेटीएम वॉलेट कार्ड आ जाएगा। अपने इस वर्चुअल पेटीएम वॉलेट कार्ड का सीवीवी और एक्सपायरी डेट देखने के लिए आपको यहाँ पर सीवीवी एंड एक्सपायरी डेट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का पासकोड एंटर करेंगे, फिर आप वेट करेंगे। आपके सामने आपके इस वर्चुअल पेटीएम वॉलेट कार्ड का सीवीवी और एक्सपायरी डेट आ जाएगा, साथ ही आपके इस कार्ड का पूरा कार्ड नंबर भी आ जाएगा। इस कार्ड पर आपका क्या नाम है वो नाम भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर योर फिजिकल वॉलेट कार्ड का ऑप्शन भी दिखेगा, लेकिन अभी ये ऑप्शन फिलहाल कमिंग सून पर है, यानी कि अभी आप पेटीएम फिजिकल वॉलेट कार्ड के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है तो मैं आपको पेटीएम फिजिकल वॉलेट कार्ड के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना भी बता दूंगा। यहाँ पर आपको मैनेज कार्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने पेटीएम बैंक का पासकोड एंटर करना है। यहाँ से आप अपने इस कार्ड का ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इस कार्ड का ट्रांजेक्शन लिमिट 1,00,000 रुपया रखा गया है। तो चलिए हम इस कार्ड लिमिट को कम करते हैं। इसके लिए आपको कार्ड पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको चेंज पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना इस कार्ड का लिमिट सेट करना है, फिर आप नीचे यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके इस कार्ड का लिमिट यहाँ पर सेट हो जाएगा, साथ ही आपके नंबर पर मैसेज से कन्फर्मेशन भी आ जाएगा।